भगवान विदुर की धरती पे सभी नौजवान साथी और चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे आइडियल नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें। आज कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कौशल महोत्सव कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे आपके नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय साकेंद्र प्रताप जी, आदरणीय मनूप नागर जी, आदरणीय मौसम भाई ऐश्वर्य जी, भूपेंद्र बॉबी जी जिलाध्यक्ष, हमारे नागेंद्र पवार जी, इंदिरा देवी जी, आदरणीय विधायक आदरणीय राणा जी और मंच पर उपस्थित सुखबीर सिंह जी से लेकर तमाम राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिले के प्रशासन और साथ साथ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, सभी सम्मानित अधिकारी विभाग के और सामने बैठे सभी देवतुल्य और दूर दूर से ऐसी गर्मी में और आंखों में हजारों सपने लेके ये शानदार युवा पीढ़ी बैठी है, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सम्मानित बंधुओं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के कदमों पे चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के युवा और डायनामिक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ कदम से कदम मिला के आज अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत कहीं नहीं होगा कि जो सपने आपने अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के रूप में देखे थे और जिस गंभीरता से और चिंतन से आप लोगों के लिए वो हमेशा सोचने के लिए तैयार रहते हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भारी संख्या में यहाँ से मत रूपी आशीर्वाद देके जिता के भेजा तो आदरणीय चौधरी साहब को यहाँ की समस्याओं का और सब चीजों का अवलोकन था। उन्होंने पहले दिन कहा था कि जब तक बिजनौर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश का युवा को हम सही राह नहीं दिखा पाएंगे, जब तक हम अपने सपने के भारत का निर्माण सोच नहीं सकते। आदरणीय चौधरी साहब, हम धन्यवाद करते हैं, आपने शायद इतिहास में और बिजनौर के इतिहास में, अगर मैं गलत ना हूं, ये पहला मौका है जब इतनी भारी संख्या में हर समाज के, हर वर्ग के, हर इलाके के बच्चे के लिए एक बेहतर उसकी स्किल और उसकी कौशल को निखार के एक बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद जोरदार तालियों के साथ करना चाहते हैं। ये अवसर सामान्य नहीं है, ये देश के और हिस्सों में लोगों को जो उपलब्ध नहीं हो सकता वो आज बिजनौर वासियों को उपलब्ध हुआ है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मंच है जो मात्र एक शुरुआत है। आगे आगे यहाँ हमारी बहनें बच्चियां बैठी हैं, ये कैसे काबिल बने, एक घर नहीं दो घर को मजबूत करने का काम करें। और नौजवान युवा साथी जो चाहते हैं, जिनके घरों में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को पूजने का काम होता है, आज वो अपने घर में जाके कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के वारिस आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे लिए मजबूती के साथ सोचने का काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आज आप अपने प्रिय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को सुनने आए हैं, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक स्वर में इतिहास रचने का काम किया और आज जितनी कंपनी जिन्हें ढूंढने के लिए दिन रात नोएडा दिल्ली में हम धक्के खाया करते थे, आज आपके एक आह्वान पे यहाँ पड़ोस में अपना स्टॉल लगा के आपके लिए बेहतर अवसर बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये मात्र एक शुरुआत, हमें पता है कि आदरणीय चौधरी साहब के नेतृत्व में कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों नए आयाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद है, उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग जो आने वाले समय में देश की नींव रखने का काम करेगा,
वो जयंत चौधरी जी के मजबूत कंधों पे उन्होंने विश्वास दिला के ये दिलाने का काम किया है। हमारी शुभकामनाओं के साथ हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय चौधरी साहब का। पूरी सरदारी यहाँ सर्व समाज की यहाँ बैठी है, भारतीय जनता पार्टी के शानदार और राष्ट्रीय लोकदल के शानदार तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हम आपको इस अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये मात्र एक शुरुआत है। आने वाले समय में भी जब भी बिजनौर वासी और बिजनौर लोकसभा वासी आपसे कुछ मांगेंगे, हमेशा इसी तरीके से हमारी झोली आप भरने का काम करेंगे। आप यहाँ आके हमारी सेवा पढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।